गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। टुडे वी विल रिवाइज लेसन नंबर 9, टाइम फॉर एवरीथिंग। ओके, यूनिट 2, जहाँ से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है इस बार का सेमेस्टर का, तो मैं रिवाइज करूँगी आज। लेट्स सी व्हाट द पोएम इट इज़। देर इज़ अ टाइम टू रन एंड टाइम टू वॉक, देर इज़ अ टाइम फॉर साइलेंस एंड टाइम फॉर टॉक। मतलब एक वक्त होता है भागने के लिए, एक वक्त है जहाँ पे आपको चलना चाहिए, एक वक्त ऐसा होता है जहाँ पे आपको भागना है। भागना मतलब क्या होता है, समझो आप जल्दी कुछ काम है, आपको देर हो रही है, तो आप क्या करते हैं, जल्दी जल्दी भी अपना काम निपटाते हैं और चलने लगते हैं फास्ट। ओके, और कहीं कहीं पर आपको धीरे चलना होता है, कहीं कहीं पर आपको अपने इसको एक्टिविटी को थोड़ा धीरे करने का रहता है। देर इज़ टाइम फॉर साइलेंस, देर इज़ टाइम फॉर टॉक, यानी एक वक्त ऐसा जहाँ पे आपको खामोश रह के सुनना रहता है, और कुछ ऐसा वक्त होता है जहाँ पे आपको बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देर इज़ टाइम फॉर वर्क एंड ए टाइम फॉर प्ले, देर इज़ अ टाइम फॉर स्लीप एट द क्लोज ऑफ द डे, यानी देर इज़ अ टाइम फॉर वर्क, एक काम करने का वक्त होता है। ऐसे नहीं कि दिन भर आप पढ़े रहेंगे या खेलते रहेंगे, सुबह जब भी उठती है नाश्ता वास्ता हो जाता है तो आप काम पर लग जाती है, योर पेरेंट्स, यू एंड ऑल। और एक वक्त रहता है जहाँ जब आप खेलते हैं, जैसे शाम का वक्त हो या दोपहर का, जब फ्री अब पढ़ के वगैरह तैयार हो जाते हैं आपका, तो घर में इंडोर कोई गेम्स खेलते, तो गेम खेलने का एक वक्त होता है और काम करने का भी एक वक्त होता है। देर इज़ अ टाइम फॉर स्लीप एट द क्लोज ऑफ द डे, देर इज़ अ टाइम फॉर स्लीप मतलब सोने का भी एक वक्त होता है। रात जब शाम को सब काम निपटा जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो हम लोग शाम के रात को सोने निकलते हैं, जैसे 10 बजे 11 बजे, क्लोज ऑफ द डे मतलब दिन की आखिर में। तो वो वक्त क्या रहता है, सोने का, आराम करने का रहता है, जो अपने बॉडी को भी रेस्ट देगा, इवन अवर ब्रेन भी आराम से शांति से रेस्ट लेगा। देयर इज़ टाइम फॉर एवरीथिंग यू डू फॉर चिल्ड्रेन एंड फॉर ग्रोन अप्स टू, मतलब देयर इज़ टाइम फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, इवन छोटों के लिए और बड़े लोगों के लिए भी। ए टाइम टू स्टैंड अप एंड टाइम टू सीट, बट सी दैट द टाइम एंड एक्शन स्पीक। ए टाइम टू स्टैंड अप यानी टाइम टू स्टैंड अप मतलब ऐसा एक वक्त होता है जहाँ पे आपको उठ के खड़ा रहकर करना रहता है, और कुछ वक्त ऐसा रहता है जहाँ पे आपको शांत से बैठना रहता है, आराम करना रहता है, यानी कहीं पर कुछ भी एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। एक्टिविटी वक्त के हिसाब से, टाइम के हिसाब से और मौके के हिसाब से हमें रिएक्ट करना रहता है। ओके, दैट इज़ व्हाट, जब आपको कोई टीचर सिखाती है तो आप उधर बात नहीं करोगे, वहाँ पे आप साइलेंस मेंटेन करोगे, ध्यान दोगे, ताकि जो भी सिखाया जाता है आपके समझ में आए। दूसरा रहता है रिसेस टाइम हो या शाम का वक्त, वो खेल कूदने का टाइम रहता है, क्योंकि बॉडी को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत रहती है, रिलैक्सेशन, बाकी दिमाग में से बाकी सब चीज़ हटा के अपने बॉडी को एक्टिविटी देना चाहिए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी होता है अपने शरीर को कीपन एक्टिव रखने के लिए, तो उसका भी एक वक्त होता है। दैट इज़ व्हाट वो इस पोएम में बताया जा रहा है कि हर एक चीज़ का एक अपना वक्त होता है, कहाँ पे आपको खामोश रहना है, कहाँ पे आपको बोलना है, कहाँ पे आपको अपनी चीज़ें आराम से करनी है, कहाँ पे आपको अगर लेट हो रहा है, देर हो रहा है, तो आपको कैसे उतना फास्टली उसको एक्टिवली काम करना चाहिए। और आराम का वक्त क्या होता है, दिन का आखिर मतलब रात का वक्त होता है, जहाँ पे आप अपने बॉडी माइंड को रेस्ट दे रहे हो। ओके, ये सारे लोगों के लिए है। आई विल अगेन एक्सप्लेन व्हाट इट इज। पॉइंट क्या बोल रहे हैं, दैट इज़ देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग, देयर इज़ टाइम व्हेन वी शुड रन एंड व्हेन वी शुड वॉक एंड व्हेन वी शुड कीप साइलेंट एंड व्हेन वी शुड टॉक, व्हेन वी शुड वर्क एंड when we should play, यानी हर एक चीज़ का अपना अपना वक्त होता है। द टाइम फॉर स्लीप इज़ द एंड ऑफ द डे, कब सोना है, रात को, ऐसा नहीं सुबह से लेकर रात शाम तक पड़े रहेंगे बिस्तर में यहाँ लोट घूमते हुए, ये गलत बात है, इट इज़ वेरी बैड। तो जब वक्त होता है, सोने का वक्त रहता है, तब आपको सोना चाहिए। ओके, दिस इज़ फॉर द चिल्ड्रन एंड द ग्रोनप्स, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए भी वो टाइम को फॉलो करना चाहिए। उठ के सुबह उठ के अपना काम पे लग जाना, फिर काम सारे निपटा के आराम करना, तो ऐसे छोटे बच्चों के लिए भी होता है कि वो अपने सुबह की शुरुआत फ्रेश होकर अपने काम से, होमवर्क से, स्कूल से स्टार्ट करे, फिर एंड ऑफ द डे रेस्ट करे।
तो ये सारे ये सब चीज़ें लागू पड़ती है छोटों के लिए और बड़ों के लिए. ओके, दैट इज़ व्हाट इट इज़ मेंशन इन द पोएम. नाउ लेट्स सी अबाउट द लेसन नंबर. इसको भी मैं रिवाइज करती हूँ. डिक्शनरी इन द वर्ल्ड ऑफ डिक्शनरी. डिक्शनरी से आपको क्या पता चलता है? डिक्शनरी से नए नए चीज़ें मालूम, वर्ड्स के मीनिंग समझ में आते हैं. ओके, ए बुक इन विच वर्ड्स आर लिस्टेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. उसमें शब्द लिस्ट किया रहता है, एक के नीचे एक लिखा रहता है, अल्फाबेटिकली अरेंज किया हुआ रहता है. ए से जितने भी शब्द आते हैं उसको अरेंज किया जाता है, ए के वक्त ए ख़त्म होने के बाद बी, ऐसे अल्फाबेटिकली उन शब्दों लेटर से जो भी वर्ड्स होते हैं उसको अरेंज किया जाता है. एंड हाउ इट इज़ स्पेल, एक एक वर्ड्स को किस तरह स्पेल किया जाना है, बोलना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन कैसे करने चाहिए, ये आपको डिक्शनरी से समझ में आता है. स्कूल में होते हुए टीचर आपको मदद करती है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, पर हर जगह टीचर अवेलेबल नहीं रहती, तो दैट टाइम वी कैन रेफर अवर डिक्शनरी. इट इज़ क्वाइट नेसेसरी टू हैव द डिक्शनरी फॉर द चिल्ड्रंस ऑल्सो. तो इसमें सब ये बताया जाता है, लिस्टिंग किया जाता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर, प्लस उसमें ये भी मेंशन किया जाता है वो कौन सा फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म, नाउन फॉर्म है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, व्हाटएवर इट इज़, वो भी आपको वर्ड के बाजू में लोग बताते हैं. जैसे डिक्शनरी, ये सिंगुलर है डिक्शनरीज, IES डाला, दैट इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द डिक्शनरी. तो ऐसे ये भी आपको समझ में आता है. नौसी डिक्शनरी और क्या चीज़ों में आपको मदद करता है? वर्ड्स इन डिक्शनरी आर यूजुअली अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज किया जाता है. ए डिक्शनरी टेल्स अस व्हाट ए वर्ड मीन्स, यानी डिक्शनरी में आपको बताता है वो शब्द का क्या मतलब है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. ए वर्ड शो डिक्शनरी शोज आउट टू हाउ ए वर्ड इज स्पेल्ड, वो शब्द को किस तरह हम लोग स्पेल करना चाहिए, प्रनाउंस करना चाहिए, ये आपको बताता है. ए डिक्शनरी टेल्स अस आउट टू हाउ ए वर्ड इज प्रनाउंस. ए डिक्शनरी शोज हज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम वर्ड, फॉर एग्जाम्पल रोज, रोजेस, गो, गोइंग, वेंट, गॉन एक्सेट्रा, ये सब भी डिक्शनरी में आपको बताया जाता है. रोज रोजेस का ये प्लूरल फॉर्म हो गया, गो गो गोइंग. ओके, वेंट वेंट पास्ट टेंस हुआ, गॉन पास्ट टेंस हुआ, गोइंग ये क्या प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये सब आपको बताया जाए. ए डिक्शनरी टेल्स अस विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स हाउ ए वर्ड इज यूज. डिक्शनरी ये भी बताता है, अपने एग्जाम्पल्स देता है कि उन शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए. ए डिक्शनरी लिस्ट मेनी वर्ड्स फ्रेजेस रिलेटेड टू दैट वर्ड, काफ़ी सारे वर्ड्स वो बताता है उससे रिलेटेड. ए डिक्शनरी पॉइंट्स आउट द डिफरेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स विच हैव द सेम स्पेलिंग. अभी कुछ ऐसे शब्द होते जिसके स्पेलिंग सेम होते बट मीनिंग्स अलग अलग होते, तो उसको सेंटेंस में भी अलग अलग रूप में डाला जाता, तो दैट वो भी हमें बताता है. ए डिक्शनरी ऑल्सो टेल्स अस अ ग्रामेटिकल क्लास टू विच ए वर्ड बिलोंग. यू कैन लर्न अबाउट दिस क्लासेस ऑफ द वर्ड्स व्हेन यू आर लिटिल ओल्डर, यानी इस बारे में आपको बाद में जानकारी दी जाएगी. नाउ सी व्हाट टाइप ऑफ डिक्शनरीज आर देयर. सी लेट्स सी ओवर हियर. चिल्ड्रंस डिक्शनरी, इट इज़ वन, दिस इज स्पेशली मेड फॉर द चिल्ड्रंस. इट कंटेन्स मेनी पिक्चर्स, डायग्राम्स, वर्ड्स, फ्यू वर्ड्स एंड ऑल मीनिंग्स, पजल्स, वर्ड गेम्स, जोक्स एक्सेट. ओके, दिस इज वॉट कंटेंट्स, इट इज़ देयर इन द चिल्ड्रंस डिक्शनरी. नाउ प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी. प्रोनाउंसिंग डिक्शनरीज का क्या काम है देखो, सम डिक्शनरी प्रोवाइड्स ओनली द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, यानी वो डिक्शनरी हमें आपको सिर्फ बताता है कि उस वर्ड्स को किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है. इट इज़ शोन विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल सिंबल. नाउ डिक्शनरीज ऑफ सिनोनियम्स. सिनोनियम मीन्स हैविंग सिमिलर मीनिंग. तो ऐसे शब्द हमें लिस्ट आउट करते हैं जिसका सिमिलर मीनिंग है, सेम एक ही जैसा मीनिंग हो. दे मे ऑल्सो इंक्लूड एंटोनियम्स और द ऑपोजिट. एंटोनियम्स मतलब ऑपोजिट. बिसाइड्स दैट और कौन से है? विजुअल डिक्शनरी. फर्स्ट यू हैड चिल्ड्रन डिक्शनरी, सेकेंड इज द प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरीज, डिक्शनरीज ऑफ सिनोनियम्स, फोर्थ इज द विजुअल डिक्शनरी. इन दिस यू विल सी द पिक्चर्स, देर इज़ नो एक्सप्लेनेशन गिवन ओवर देयर, क्योंकि एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. पिक्चर दिखाया जाता है और उसको लेबल किया जाता है, नाम दिया जाता है कि कौन सा चीज़ क्या है. सी ओवर हियर, इट इज़ अ बर्ड, लीव्स, फ्लावर,
स्टेम एंड ऑल. तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ विजुअल पिक्चर देख के बच्चों लोगों को समझ में आता है कि कौन सा पार्ट को क्या नाम है. दिस विजुअल मे बी इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स के रूप में हो सकता है या डायग्राम के रूप में हो सकता है या हैंड ड्रॉन पिक्चर्स के, एंड दे आर ऑल लेबल्ड, उनको सब लेबल किया गया इन विजुअल डिक्शनरी. See the simple visual given alongside in the same way even the complicated machines or systems are made simple in a visual dictionary. Now after that encyclopedic dictionary, it is a big book. इसमें बहुत सारे ये होते हैं topics दिए जाते हैं, सिर्फ simple topic single topics नहीं होते, इसमें बहुत सारे topics के ऊपर आपको information मिलता है in encyclopedia. Okay, encyclopedic dictionaries too give a lot more information about most of the words they contain. बहुत सारी चीज़ों के information वो देता है. These dictionaries are usually quite thick and contain many more words than the smaller. तो ये dictionary काफ़ी मोटी होती है, बड़ी होती है compared to छोटे से dictionary से. After that you get online dictionaries, that ये सबको मालूम है. मोबाइल में अभी बच्चे लोग ऑपरेट करने लग गए हैं कि अगर आपको शब्द का कोई मतलब नहीं आया तो वो गूगल में जाके सर्च करते उसकी मीनिंग के लिए. दैट इज़ ऑनलाइन डिक्शनरी. इन कंप्यूटर और इन लैपटॉप और इन मोबाइल यू कैन डू दैट. उसके बाद है डिक्शनरीज इज मस्ट ऑफ फॉर, अभी क्या दिया गया है, डिक्शनरी इज मस्ट फॉर द स्टूडेंट हु कैन बिगिन विथ अ सिंपल एट्रैक्टिव डिक्शनरी, कैन बिगिन विथ सिंपल attractive dictionaries and they learn to use the more difficult ones later. यानी पहले हमने छोटे बच्चे के simple dictionary का इस्तेमाल करें ताकि words समझ में आए, उसके meaning समझ में आए और उसे किस तरह लिखें. धीरे धीरे जैसे आपका standard बढ़ता जाता है आपको वैसे ही upgraded चीज़ें का मतलब dictionary का इस्तेमाल करना पड़ता है, जहाँ पर ज़्यादा knowledge दिया जाता है और ज़्यादा जानकारी होती है. तो धीरे धीरे depend on your standard and all. When you are growing up. This is what about the dictionaries. समझ में आया कितने टाइप के हैं dictionaries, children dictionaries, pronouncing dictionaries, dictionaries of synonym, visual dictionaries, encyclopedic dictionaries and online dictionary. Dictionary helps to know the meanings of the words and how it is spelled and how it is pronounced. ये छोटे बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी है तो वेन दे आर लर्निंग एनीथिंग. ओके दैट इज़ वॉट आई हैव रिवर्स टू लेसन, लेसन नंबर 9 एंड 11. नाउ आई एम वाइंडिंग अप. थैंक यू.